छोटू यार। अच्छा अच्छा ये देखो ये देखो ये देखो, क्या मतलब है यार, ज्यादा जल्दबाजी में हो कैप्टन भैया। सो हेलो हाय जोहार नमस्ते सभी को, कैप्टन के ब्लॉग में आपका फिर एक बार स्वागत है। और मैं हूँ और मेरे साथ है जीना ही। आपको तो कैप्टन वाले 390 वाले चैनल पे आपको पूरी स्टोरी पता चल चुकी थी। एक्चुअली में किस वजह से मैंने वो चैनल को बंद किया है और एक न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ रुकड़ डैम और एक छोटा सा राइड। घर में बोर हो रहा था मैं पूरी तरीके से बैठ करके, तो आज देख लो मौसम पूरा सनी डे है, पूरा एकदम धूप खिला हुआ है पूरी तरीके से। और यहाँ मैंने धो करके तो इसे रख दिया है। तो चलो गाइस अब सीधे आपको GoPro पे मिलता हूँ और बताता हूँ आगे। और थोड़ा सा इसका एक बार साउंड सुना देना चाहता हूँ आपको, साउंड चेकआउट। तो फाइनली राइड हो चुकी है स्टार्ट और मैं जा रहा हूँ अभी रुक्का डैम साइड। मैंने अभी तक इसमें कुछ भी वैसा स्टंट वगैरह किया नहीं है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए पहली बार होगा जब मैं इस पर स्टंट वगैरह कुछ भी चीज़ वैसा करूँगा। तो देखो भाई लोग का रिएक्शन चेकआउट करो गाइस। ये पहली वीली यार। अच्छा अच्छा तो आप लोग कहाँ घूमने आए थे? अच्छा 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 रामगढ़ में। ओ क्या फोटो क्लिक कराना है बाइक पे? अच्छा करवाना है पहले बाइक से। अच्छा 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 मेरी से। और यहाँ देखो भाई का रिएक्शन, तो यही होती है यार खुशी, ये खुशी बांटना है ना। मैं तो पहली बार बिली कर रहा हूँ, इन लोगों को कौन बताए कि मैं पहली बार ट्राई कर रहा था बिली करके। क्या जी ब्लॉगिंग करते हो? जी जी ब्लॉगिंग करते हैं। हाँ मतलब कहाँ पे आप रहते हो? हाँ मैं कांके का हूँ लोकल। हाँ हाँ चलिए थैंक यू थैंक यू। मैं कांके यहाँ का लोकल हूँ रांची। हाँ थर्ड गियर ही सेफेस्ट है यार इसमें, मुझे इतना तो पता चल गया। दो गियर में तो आराम से उठ जाएगी, थर्ड गियर में थोड़ा सा उठाने में तकलीफ होता है, बट हाँ आप इजीली उठा सकते हो। मैं सोचा नहीं था यार, रियली में कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपना वो यूट्यूब चैनल बंद करना पड़ेगा। बट मैंने जैसे बताया था, एड सूटेबिलिटी एक ऐसा चीज़ है ना जो क्या ही बोल दूँ मैं। एड सूटेबिलिटी की वजह से कुछ अर्निंग नहीं हो रही थी उसमें, सारे वीडियोज़ पे येलो डॉलर आ रहे थे, इसी वजह से मैंने उसे बंद कर दिया। अरे कैसे हो सब? पिछले बार आपसे मिले थे आप लोग पहली बार। अच्छा एक नंबर गाड़ी ले लिया एक साथ, अच्छी लग रही है एक नंबर जो, मगर ध्यान से बैठना सब, रहने दो रहने दो। अरे देख के उसको स्टैंड मत हटाना, स्टैंड मत हटाना ना। हाँ ऐसे कैसे खिंचाना है? बैठना थोड़ा दिक्कत हो जाता है बाबू, गिर उड़ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, यहाँ पास फोटो पोज देता हुआ। चलो चलो ठीक है मिलता है। बहुत तेज है यार तुम्हारा आईफोन, मेरा आईफोन इतना तेज नहीं चलता जितना तुम्हारा चल रहा है। कैप्टन भैया। हाँ क्या दे 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 दे। कैसे हो सब? बढ़िया। अरे चलो एक मिनट एक मिनट। हाँ अरे कोई गमछा सान है यार, क्या हटा रहे हो उसे? तो भाई बाहर निकलने पे इतना प्यार मिलेगा मैं सोचा नहीं था यार।
भाई रोले भाई। ओ भाई साहब, तो इतना प्यार मिलेगा मुझे नहीं पता था। लिटरली बोल रहा हूँ मैं, बहुत अपनी 390 से भी इधर नहीं आता था, पहली बार आया हूँ यार। अरे ये रिस्पांस मिला है, बहुत बड़ी बात होती है भाई। ये देखो रास्ते में चलते हुए हेलमेट पहन रहे हैं, ये देखो भाई साहब लोग प्रो लेवल के हैं सब। क्या अभी नहीं यार, यहाँ कहाँ विली करेंगे भाई, संभल के। तुमको आता है विली? अरे वाह क्या बात है। स्कोडा MJ और इधर वन एंड ओनली BMW। भाई साहब लव है यार यहाँ तो, बहुत लोगों की लव रहती है यहाँ पास। क्रश लौंडे अपना क्रश ढूंढे पार्क में नहीं, यहाँ आते बाइकर्स वाले क्रश। भाई अब ना एक 360 कैमरा की बहुत जरूरत है मुझे, रिएक्शन चेकआउट करने के लिए और अच्छी अच्छी क्लिप्स निकालने के लिए। तो आप कमेंट करो आपको रिएक्शन वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। ओ भाई बाबू का रिएक्शन, ये देखो देखो भाई को। एक्स वगैरह ले लिए, फिलहाल तो यही मिलेगा इधर। सुपर बाइक में ये सब ढोने का मजा ले रहे हैं। ओ भाई साहब, हाँ सोचे आज अकेले आ जाते तुम लोग की तरह, कैसा है सब? बढ़िया, आए थे सोचे जाते हैं थोड़ा घूम लेते हैं उधर ही। हाँ अरे कैसे हो? बढ़िया। कोई एक तरफ लो पहले, रुको रुको भाई, तुम लो हाँ तुम भी आओ, इधर आओ इधर आओ। वो देखो यार प्यारा सा पतरा, हम लोग तो पतरा ही बोलते हैं अपनी भाषा में यार, बहुत सुंदर दिख रहा है। फाइनली यार फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं रुक्का डैम। ओ भाई साहब मिशन सक्सेसफुल, चलो ऑफ रोडिंग भी करा दे अपनी सुपर बाइक को। अब जितना बार भी इधर आओ ना उतना बार कम ही लगता है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ रुक्का डैम, और ये देख लो पानी बहुत सूख चुका है यार अभी, बोल सकते हो आप, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि पानी घट जाए। मुझे एक बार जहाँ जाना है वो लोकेशन में, वो बता रहा हूँ वो वाली लोकेशन पे, तो वो वाले लोकेशन जल्दी कवर करेंगे हम लोग और कोई ब्लॉग में आपको ज़रूर लेके जाएंगे। होप सो आपको मज़ा आएगा वो ब्लॉग। हाँ कोई साथी नहीं, कोई वो नहीं, निकल पड़ा हूँ अकेले। चलो फिर ये देखो क्या खूबसूरत लग रही है ना, बढ़िया सी अपनी G9 Z9 जो भी बोल लो आप यार, बट A1 पीस है ली। अब रील शूट करने की बारी आ चुकी है, तो अब जल्दी से रील शूट करते हैं। पहले तो अरे कैसे हो सब? बढ़िया। इधर ही कहाँ के हो सब? सुगनू ओ घर वो की ओर निकलते हैं अब, और अभी जाते जाते मेरे को अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी बीच में अब निकलना ज़्यादा सही। तो भाई ये अब निकलने का टाइम हो चुका है, चलो ठीक। झूमर खेल रहे हैं भाई लोग, भाई सनसेट चेज करो गाइस। अरे भाई ये क्या कर रहा है? अरे अरे छोटू आराम से बाबू,
बच्चे लोग भी ना हम लोग को देखे एक्साइटेड हो जाते हैं यार, वो सबसे बड़ी बुरी चीज होती है। वाव यार लवली, क्या खूबसूरत लग रहा है यार सनसेट, बहुत सुंदर। देख लो गाइस, मींस ऐसा होना चाहिए सनसेट एक्चुअली में, और शाम का सनसेट अगर ऐसा होना तो फिर बात ही अलग है। यार अपने पास एक नहीं है, ये बंदा दो दो लेके घूम रहा है, क्या बात है। चलो फिर ये देखो क्या मतलब है यार, ज्यादा जल्दबाजी में हो सारे चोर कट लो। चलो गाइज, ये फर्स्ट ब्लॉग रहा मेरा इस चैनल के लिए, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना और बेल आइकन घंटा को जरूर बजा के जाना, ताकि आपका भाई इसी तरह इंस्पायर होकर के आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सके। चलिए तब तक के लिए मैं अपना ख्याल रखिए।